फ्रेंड्स, नमस्ते। भाषा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कल चर्चा कर रहे थे राजस्थान की सीमा की, कि राजस्थान की सीमा कितनी है। तो राजस्थान की सीमा हमने कल पढ़ ली थी कि राजस्थान की सीमा है वो है 5920 किलोमीटर। और जो राजस्थान की तटीय सीमा है वो हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान की जो तटीय सीमा है वो तटीय सीमा है राजस्थान की शून्य। राजस्थान जो कुल सीमा है या स्थलीय सीमा है उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और दूसरी अंतरराज्य सीमा। हमने कल अध्ययन कर लिया था अंतरराष्ट्रीय सीमा का या ग्रीनविच रेखा का। आज हम करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराज्य सीमा का अध्ययन, कि अंतरराज्य सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है और उन राज्यों के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के कौन कौन से जिले उनसे लगते हैं। तो आज हम बात करेंगे अंतरराज्य सीमा की। जो अंतरराज्य सीमा है ये है 4850 किलोमीटर। अंतरराज्य सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो है 4850 किलोमीटर। और राजस्थान से जो जो जिले या जो जो राज्य राजस्थान से लगते हैं वो है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा, गुजरात के बाद लगता है मध्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद लगता है पंजाब। अब जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कितना लगता है, मध्य प्रदेश की जो लंबाई है जो वो है 1600 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, गुजरात की है 1022 किलोमीटर, मध्य उत्तर प्रदेश की है 877 किलोमीटर और पंजाब की सबसे कम है 89 किलोमीटर। ये जो क्रम है ये है अवरोही क्रम। एग्जाम में पूछ लिया जाए आरोही क्रम है ये, कि राजस्थान की अंतरराज्य सीमा पर लगने वाले राज्यों के आरोही क्रम बताइए। तो ये है आरोही क्रम, पंजाब से उत्तर की तरफ, और इसका उल्टा व्युत्क्रम है वो है अवरोही क्रम। यहां से कुछ क्वेश्चन, ये तो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से कौन से राज्य की सबसे अधिक सीमा लगती है, वो है मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, और राजस्थान से कौन से राज्य की सबसे कम सीमा लगती है, वो है पंजाब 89 किलोमीटर। ये यहाँ छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं इनमें से। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राजस्थान से लगने वाले राज्यों का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम लिखिए, तो वो क्या होगा वो हम देखते हैं। वो होगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात सबसे लास्ट में। ये जो क्रम था ये था आरोही क्रम या अवरोही क्रम, और ये जो क्रम है ये है उत्तर से दक्षिण क्रम, और इसका विपरीत ये है दक्षिण से उत्तर क्रम। ये अंतरराज्य सीमा की राजस्थान से कौन कौन से राज्य लगते हैं वो हो गए। अब हम ये बात करेंगे कि जो उत्तर से दक्षिण क्रम है, पंजाब है, पंजाब राज्य से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, और पंजाब राज्य के कौन कौन से जिले राजस्थान सीमा से लगते हैं। उसी प्रकार हरियाणा से कौन कौन से जिले हरियाणा की सीमा से लगते हैं, और हरियाणा के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं, उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब
उत्तर से दक्षिण क्रम में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य है। इससे राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो पंजाब राज्य से राजस्थान के दो जिले लगते हैं। पहला है श्री गंगानगर और दूसरा है हनुमानगढ़। श्री गंगानगर की जो सीमा है सर्वाधिक है, अर्थात श्री गंगानगर है वो सर्वाधिक लगता है, और जो हनुमानगढ़ है इसकी न्यूनतम सीमा लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है। इसी प्रकार हम देखें कि पंजाब के कौन कौन से जिले राजस्थान की सीमा से लगते हैं, तो पंजाब के भी दो जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। पहला है फाजिलका, फाजिलका, और जो दूसरा है वो है श्री मुक्तसर साहिबा, श्री मुक्तसर साहिबा। ये दो जिले पंजाब के जो राजस्थान की सीमा लगते हैं, इनमें से फाजिलका की न्यूनतम सीमा लगती है और जो मुक्तसर श्री मुक्तसर साहिबा है इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है। ये हो गया कि पंजाब से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं वो, और पंजाब के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा लगते हैं वो। इसके बाद दूसरे क्रम पर हम देखें तो पंजाब के बाद उत्तर से दक्षिण क्रम में आता है हरियाणा। हरियाणा से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं? तो हरियाणा से राजस्थान के सात जिले लगते हैं। वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। पहला है हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और भरतपुर। ये राजस्थान के जिले हैं जो हरियाणा की सीमा से लगते हैं। इनमें से हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ की सर्वाधिक सीमा लगती है, और जो जयपुर है इसकी न्यूनतम सीमा लगती है। इसके बाद हम देखें हरियाणा के कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा राज्य के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। तो वो भी सात जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। पहला है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इसके बाद आता है रेवाड़ी और मेवात। ये सात जिले हरियाणा के, ये सात जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं। इनमें से जो सिरसा है इसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, और जो फतेहाबाद है इसकी न्यूनतम सीमा लगती है। इसके बाद पंजाब के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ये हम उत्तर से दक्षिण का पढ़ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं, वो है दो जिले। कौन कौन सा? पहला है भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। इनमें से भरतपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है और धौलपुर की न्यूनतम सीमा लगती है। इसी प्रकार भरतपुर के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, तो भरतपुर के दो जिले हैं, एक तो है मथुरा और दूसरा है आगरा। इनमें से मथुरा की न्यूनतम लगती है, न्यूनतम सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा, और आगरा की अधिकतम या सर्वाधिक लगती है। ये हमारे जो पंजाब जिला, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश के राजस्थान के इन राज्यों से लगने वाले जिले और इन राज्यों के राजस्थान से लगने वाले जिले हो गए। इसके बाद हम देखेंगे कि हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश है उससे राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं।
तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इन सब में कॉमन उत्तर से दक्षिण जो क्रम है उसमें कॉमन रखना कि जितने राजस्थान के सीमा बना रहे उतने ही दूसरे राज्य की सीमा बना रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से जो राजस्थान के कौन कौन जिले हैं जो सीमा बनाते हैं, उनमें है धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली के बाद कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और सबसे लास्ट में बांसवाड़ा। ये राजस्थान के जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा लगाते हैं। अब इन राज्यों में दो इफेक्ट है क्या कि जो झालावाड़ है ये सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा लगाता है, स्थलीय अंतरराज्य सीमा और अंतरराज्य सीमा कितनी 520 किलोमीटर, और जो भीलवाड़ा है वो न्यूनतम अंतरराज्य सीमा लगाता है 16 किलोमीटर। यहां ये ध्यान रखना कि झालावाड़ है जो अंतरराज्य सीमा और न्यूनतम स्थलीय अंतरराज्य सीमा दोनों सर्वाधिक झालावाड़ लगाता है राजस्थान से, और अंतरराज्य सीमा न्यूनतम कौन लगाता है भीलवाड़ा, और स्थलीय न्यूनतम अंतरराज्य सीमा वो लगाता है बाड़मेर 14 किलोमीटर। अब यहां पर जो कोटा और चित्तौड़गढ़ है ये दो ऐसे जिले हैं जो मध्य प्रदेश से दो बार सीमा लगाते हैं। वे कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से दो बार सीमा लगाते हैं, वो है एक तो कोटा और दूसरा चित्तौड़गढ़। इसके बाद हम देखें कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के, कौन कौन से हैं वो है मुरैला, श्योपुर, शिवपुरी, गुणा, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा लगा रहे हैं। इनमें मुरैला की सर्वाधिक सीमा राजस्थान से लगती है और झाबुआ की न्यूनतम सीमा राजस्थान से लगती है। इसके बाद हम देखें जो हमारा गुजरात है, गुजरात राज्य से राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, और गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। तो गुजरात से राजस्थान के वे जिले जो गुजरात से सीमा लगाते हैं उनकी संख्या है 6, और गुजरात के वे जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं उनकी संख्या भी कितनी है 6। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं, उनमें है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो राजस्थान के जो गुजरात से सीमा लगाते हैं। इनमें जो सर्वाधिक लगाता है वो उदयपुर है, उदयपुर की सर्वाधिक सीमा लगती है गुजरात से, और बाड़मेर की न्यूनतम सीमा लगती है। स्थलीय
हमने भी पढ़ा था कि अंतरराज्य न्यूनतम स्थलीय सीमा है अंतरराज्य वो बाड़मेर की लगती है, वो कितनी है 14 किलोमीटर। अब गुजरात के कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान की सीमा लगते हैं उनके 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 बारे में देखते हैं। एक है कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, ये अरावली पर्वतमाला के नाम पर पड़ा है इसका नाम अरावली। इसके बाद महीसागर, उस सबसे लास्ट में दाहोद। कच्छ है वो सर्वाधिक सीमा लगाता है और जो दाहोद है वो न्यूनतम सीमा लगाता है। ये हो गए हमारे अंतरराज्य सीमा। कितनी है हमारी अंतरराज्य सीमा? 4,850। अंतरराज्य सीमा में कौन कौन से राज्य आते हैं, राजस्थान के कौन कौन से जिले उन राज्यों से लगते हैं तथा उन राज्यों के कौन कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं, ये हो गया। इसके बाद में हम नॉर्मल जो अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा है इनमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन और उनके आंसर कौन कौन से होंगे। अब हम देखते हैं कि राजस्थान से जो अंतरराज्य सीमा है अंतरराष्ट्रीय सीमा इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहला जो है वो तो है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। हमने पढ़ा था कि राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, लेकिन हमने क्या कहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, लेकिन जो गंगानगर और बीकानेर बाड़मेर है ये तो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? वो हैं 2, और वो कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर, ठीक। यहां से ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन कौन से 2 जिले हैं या कितने जिले अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं, वो कौन सा आएगा? गंगानगर और बाड़मेर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। दूसरा हम देखें करते हैं कि ऐसे कौन से जिले हैं राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा किसी प्रकार की सीमा नहीं लगाते, तो उनके उनकी जो संख्या है वो है 8। 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्य सीमा। ये कौन कौन से हैं? अजमेर, दौसा, नागौर, पाली, जोधपुर, राजसमंद और लास्ट में है टोंक और बूंदी। ये जो 8 जिले हैं राजस्थान जो 8 जिले हैं ये ऐसे जिले हैं ना जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतरराज्य सीमा बनाते हैं।
इनके अलावा हम देखें कि राजस्थान में कुल जिले हैं वो 33 है, हमने पढ़ा कि राजस्थान में कुल जिले कितने हैं 33, कुल जिले 33 है, इनमें से केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं दो, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं दो, और 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं और ना ही अंतर राज्य सीमा। अर्थात अब यहां क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या, जिलों की संख्या कितनी है। दो जिले तो ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 8 जिले ऐसे हैं जो ना ही अंतरराष्ट्रीय बनाते हैं ना ही अंतरराज्य। तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले कितने जिले हो गए, 8 × 10 = 23 जिले। 23 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले हैं। अगर यहां पर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ लिया जाए कि केवल केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले, केवल शब्द आ गया, अर्थात इसमें हम उन दो जिलों को, हमने पढ़ा था कि गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले 23 जिले हो गए। अब केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिले की संख्या कितनी होगी, 23 − 2 = 21 यानी 21। 21 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कोटा है, कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से दो बार सीमा बनाता है, ये मध्य प्रदेश से दो बार सीमा बनाता है। इसके उपरांत भी ये अविखंडित जिला है, जो कोटा है। एग्जाम पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो दूसरे राज्य अर्थात मध्य प्रदेश से दो बार सीमा लगाता है लेकिन विखंडित नहीं है, अविखंडित है, तो वो कौन सा आएगा, कोटा जिला। और दूसरा हमने पढ़ा था कि चित्तौड़गढ़ जो जिला है वो भी मध्य प्रदेश से दो बार सीमा लगाता है, लेकिन ये जो चित्तौड़गढ़ है यह विखंडित जिला, चित्तौड़गढ़ को विखंडित कौन करता है, चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता है भीलवाड़ा, है जो चित्तौड़गढ़ को विखंडित करता है। ये जो चित्तौड़गढ़ है इसके अलावा एक और ऐसा जिला है राजस्थान में जो विखंडित है, वो है अजमेर। जो है वो दूसरा विखंडित जिला है जिसको राजसमंद है वो विखंडित करता है, राजसमंद इसको विखंडित करता है। इसके बाद हम देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, जो है 21। इसके बाद हम देखें कि जो अंतरराज्य सीमा है ऐसे कौन कौन से जिले हैं, 21 जिले हैं तो ऐसे जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, यहां हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो एक से अधिक अर्थात दो राज्यों से सीमा बनाते हैं, तो वो कौन कौन से जिले उनके बारे में देखते हैं। पहला है हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा से सीमा बनाता है। इसके बाद हम देखें
भरतपुर, भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इसके बाद हम देखें धौलपुर, धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। ये जो धौलपुर है वो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बनाता है। इसके बाद जो चौथा जिला है वो है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा लगाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात से। यहां से हमारे दो क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहला क्या कि वो कौन कौन से जिले हैं जो एक से अधिक राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, तो वो चार जिले हो गए हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। इसके अलावा एक जो हमने पढ़ा था केवल अंतरराज्य सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितने है, 21। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाए कि एक ही राज्य से, एक राज्य से सीमा बनाने वाले, सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो अंतरराज्य सीमा बनाने वाले होगी जिलों की संख्या 21 और इनमें से चार जिले ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो एक ही राज्य से सीमा बनाने वाले जो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 21 - 4 मतलब 17। अर्थात 17 जिले ऐसे हैं जो केवल और केवल एक ही राज्य से जो है सीमा बनाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है यही खत्म होता है। कल हम आगे पढ़ेंगे राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भास्कर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।